यहाँ अक्सर लोगों की महफिल जमती है आम के पेड़ की छांव में। जी हाँ, मैं आ गया हूँ गांव में। तो और क्या चल रहा है भाई लोग? खैर जो चल रहा है तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। तो मैं आ गया हूँ गांव में और भाई सब कुछ बदल गया, स्टेट बदल गया, मौसम बदल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला, मेरा चड्ढा। क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत गर्मी है यार। जिस दिन मैं आया था ना भाई, मतलब इतनी गर्मी लग रही थी ना, पूरी बॉडी में चुन 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 चुन, मतलब चुनचुनाहट होने लग गई थी। फिर बारिश होती, पुछ 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 थोड़ी सी होती, उसके बाद फिर धूप निकल जाती, फिर वाष्प वाली गर्मी पड़ती थी भाई, मतलब भाप वाली, जमीन से भाप निकलती थी गरम गरम। और वो भाई इतनी गर्मी लगी ना, मतलब खैर आज मौसम अच्छा है, बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई और हवा बड़ी अच्छी चल रही है, तो अभी मौसम बहुत अच्छा है, एकदम इन्जॉय करने वाला। तो आओ आपको दिखाता हूँ सब कुछ और क्या। तो यहाँ पे है खेत और देखो यहाँ पे सीन, देखो भाई एक नंबर। ये है पेड़ किस चीज़ का? नींबू का। हाँ देखो नींबू भी लगे हुए हैं, दिख रहा है ये? देखो ये रहा, बहुत सारे नींबू हैं यार, और इधर भी है नींबू। ये देखो कितने सारे नींबू दिख रहे हैं। और यहाँ से जो एंट्री होती है ना भाई, एक नंबर। ये देखो, आ हा हा हा, बड़ा सुंदर खेत है यहाँ पे। और देखो मैं आपको बोल रहा था ना हवा चल रही है, वो देख लो हवा, पेड़ देखो कैसे झूम रहे हैं। ये सुकून वाला है यार एकदम, मतलब शांति। ऐसे देखो आप लोग, थोड़ी सी धूप है अभी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही है। ये पेड़ देखो, इसको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। आवाज़ सुनाई दे रही होगी हवा की। और ये जो पेड़ देख रहे हो आप, ये है ग्वावा, यानी कि अमरूद, यानी कि पेरू। तो इसके थोड़े से सीन देख लो पहले आप लोग, उसके बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है? तो अब आप लोगों की दिल से इच्छा होगी कि मैं आपको आम का पेड़ दिखाऊं, लेकिन यार आसपास आम का पेड़ है नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने अलग से पेड़ लगवाया है। रुको दिखाता हूं, उस पे आम नहीं लगे, लेकिन देख लो ये देखो कितने छोटू छोटू से आम के पेड़ हैं। ये देखो सुंदर है ना, इसकी पत्ती यार एक नंबर लग रही है भाई, क्या ही कलर है, देखो एकदम अलग सा लग रहा है। छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ हैं लेकिन बड़ा नहीं है एक भी। ये तो भाई ये कहाँ का आम है, ये कौन सा आम होगा पता नहीं। तो देखो ऐसे लाइन से लगे हुए हैं ज़्यादा से, और एक ये है अलग से। और इन आम के पेड़ के बगल में है सीताफल। रुको आपको इसका भी क्लोजअप दिखाता हूँ, एक नंबर लग रहा है यार देखने में ये भी। ये देखो कितना बड़ा पत्ता है, आधे मीटर का पत्ता होगा ये वाला। बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, ये शायद सब्जी है कोई। हाँ सब्जी होगी शायद। और ये है जामुन का पेड़, और ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ था, गिर गया, बहुत दिनों से गिरा हुआ है और ऐसे ही पड़ा हुआ है। और हाँ ये देखो, ये देखो कुकुरमुत्ता। लेकिन कुत्ता यहाँ आके कैसे सुसू करेगा जो ये जम गया? कुकुरमुत्ता आई डोंट नो, शायद आता होगा रात में। और आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है मुझे, जिससे मैं बचपन में खेला करता था। तो ये देखो
ये वाला जो फूल है ना, ये वाला, ये ना मुझे लाउड स्पीकर की तरह लगता है। पता है एक स्पीकर आता है जो कि ऐसे मेले वेले में लगा रहता है ना, तो ये मुझे उस तरह लगता है। और मैं बचपन में क्या करता था, 3-4 तोड़ के और एक जगह रख दिया करता था, और हाथ में ऐसे ही एक कोई माइक टाइप का ले लिया करता था, और उसमें सब में धागे बांध देता था, और मस्त अपना ही शो चलाता था अलग से, कॉमेडी नाइट्स विद बाबा जी। मतलब तब तो बाबा जी नहीं था, तब विकास था, तो कॉमेडी नाइट्स मेरे साथ चलती थी और अपने मज़े करते थे, अपना मेला लगाते थे, सब कुछ अपना होता था। आज ही सब कुछ अपना है और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो और इतना प्यार करते हो। तो ये देखो, एक यहाँ पे अलग कलर का कनेल का फूल है, देखो आप लोग देखो, वो वाइट कलर का था लेकिन ये थोड़ा ना, वाह एक नंबर लग रहा है ना, बहुत सारे सूख गया यार। एक देखो ये अरे टूट गया ये तो, खैर कोई बात नहीं। ये देखो पीछे से यहीं पे मैं डाल देता था धागा, और मस्त एक माइक टाइप का लेके बोलता था हेलो 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 हेलो। और ये देखो, अगर इन भाई साहब के पास आप पैंट पहन के आ गए ना, तो ये भाई साहब चिपक जाएंगे आपके, और छूटने वाले छूटते हैं लेकिन थोड़ी देर में छूटते हैं, और अगर पैर में लग गया तो भाई खुजली बड़ी होती है। और भाई ये देखो, ये है नींबू, नींबू है कि नीबा, बहुत बड़ा, अलग से ही टंगा ये, इसको कोई फर्क ही नहीं है, सबसे अलग। वाह भाई बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और इधर से देख लो एक बार, मस्त पूरा वाला फील ले लो। अमरूद तोड़ के, यार कच्चे हैं अमरूद, अभी खाऊंगा ना तो, ये देखो ये अमरूद बोले तो तोड़ लूँ, कच्चा है लेकिन यार ये तोड़ लो, क्या तोड़ लेता, चलो खाता हूँ इसको थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा पका लग रहा है मेरे को ऊपर से, खा के देखता हूँ। मीठा है, मीठा है, मतलब नीचे का कच्चा है ऊपर का पका है, नीचे का कच्चा ऊपर का पका, कच्चा पका हो गया दोनों, अच्छा है ये। खाओगे अपना, खरीद के खाओ या तोड़ के खाओ, मैं नहीं देंगे अपना वाला। तो यार बड़ा यहाँ पे ना, इस जगह पे बहुत शांति मिलती है और अच्छा लग रहा है, और क्या बोलूँ मैं ज़्यादा बोलती नहीं है, आपको तो पता ही होगा मैं चुपचाप रहते हैं है ना। तो अभी जो आपने सीन देखा वो है प्रयागराज गंगा के किनारे का। ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये है गंगा नदी, और ये जो पूरा एरिया है ना, पूरे एरिया में यहीं पे लगता है कुंभ मेला। बहुत बड़ा एरिया है, यहीं पे कुंभ मेला लगता है। हुआ क्या, मैं गांव में ब्लॉग बना रहा था और मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि आजा प्रयागराज, आजा इलाहाबाद, आजा यहाँ पे घूमते हैं। और आते आते शाम हो गई, तो हम लोग सोचे चलो थोड़ी देर बैठेंगे गंगा किनारे। और ये वाला व्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कल फिर से घूमना है और आप सब लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊंगा, जहाँ भी घूमूंगा सब चीज़ दिखाऊंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आता लाइक करो, नहीं पसंद डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन करे तो फॉलो करें। चलो मिलता अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अभी यार 4-5 दिन बाद आएगी, अभी ये ब्लॉग और एक और ब्लॉग आएगा, तो तब तक के